ये रास्ता जो है वो यहाँ गणेश मंदिर और राज मंदिर को जाता है। यहाँ अति प्राचीन दो मंदिर बने हुए हैं, तो उनको देख लेते हैं अपने। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ आक्रमण किया था तो इन मंदिरों को सबसे पहले खंडित करवाया था, अतः आज यहाँ इनकी पूजा पाठ वगैरह नहीं होती है, लेकिन मंदिर काफी खूबसूरत बने हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, मंदिर आज भी कितना खूबसूरत बना, देखते ही बनता है। राज मंदिर के नाम से है। थोड़ा सा आपको इसके अंदर का व्यू दिखा देते हैं। और ये मंदिर के सामने का गर्भगृह बना, और यह है हनुमान जी की प्रतिमा का यह मंदिर बना हुआ। यह इसको बाद में बनाया गया और यहाँ आज भी पूजा पाठ वगैरह होती है। और यह मंदिर जो है इसको आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यह बिल्कुल जब इस फोर्ट को बनाया गया होगा तो उसी के साथ इसको बनाया गया। ये हनुमान जी का यहाँ मंदिर बना हुआ है जो कि त्रिनेत्र गणेश जी के रास्ते में ही है। ये अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। फोर्ट में अन्न धन की कमी नहीं हो इसीलिए अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनाया गया था, और साथ में इनके भगवान शिव की प्रतिमा भी है। तो ये त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर के रास्ते में ही अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बना हुआ है। आइए दोस्तों, आपको त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करवाते हैं। आपने सुना होगा कि ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें गणेश जी के तीन नेत्र हैं, और गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि और अपने दोनों पुत्रों शुभ और लाभ सहित यहाँ विराजमान है। आजा में गणेश जी महाराज, दो पत्नी रिद्धि और सिद्धि, दो पुत्र भगवान के शुभ और लाभ, पीछे पहाड़ पहाड़ से निकली स्वयंभू मूर्ति है, और भगवान की जो मनोकामना करते हैं, जो भी भक्तगण आकर के भगवान उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। हजारों साल पुरानी मूर्ति है भगवान की। और गणेश जी महाराज के तीन नेत्र, एक तीसरा नेत्र बुद्धि का देने वाला है। ये यहाँ फोर्ट में काली माता का मंदिर जो है वो यहाँ बना हुआ है, और आप देखेंगे कि इसके बाहर में भगवान शिव का भी यहाँ बना हुआ है। किस तरफ? और इधर रह गया जैन टेम्पल जिसके अपने दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जैन टेम्पल इधर। हाँ, वो बादल महल है। अच्छा, बादल महल जाने का ये रास्ता है। हाँ, अच्छा, तो अभी अपने अब आगे चलते हैं जहाँ जैन टेम्पल, एक बादल महल और नृत्यांगनाओं के लिए एक महल बना हुआ है, तो वहाँ चलते हैं अपने और उनके भी दर्शन। लक्ष्मी नारायण का भी है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण जी का भी मंदिर बना हुआ है। ये काशी भाई जैन ने बनवाया था, जैन टेम्पल है। अच्छा, ये तो पुराना मंदिर है। दोस्तों, यहाँ जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है वो इतना सही नहीं है, तो अब अपने इन मंदिरों के और बादल महल और उनके दर्शन करते हैं। और अच्छा, ये
ये यहाँ रणथंभौर फोर्ट का जैन टेंपल बना हुआ है जो कि एक मत है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ करीब 25 हिंदू मंदिर, 2 मज़ार और 1 जैन टेंपल बना हुआ है। ये भगवान शंभवनाथ जी का जैन टेंपल बना है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर से। काफ़ी प्राचीन है ये मंदिर भी। और मंदिर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों, आप देखेंगे। ये अंदर का गुंबद है और ये भगवान शंभवनाथ जी की प्रतिमा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ओम शांति। ये यहाँ का एकमात्र जो जैन टेंपल है वो बना हुआ है शंभवनाथ जी का, तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों मंदिर भी। और इसके आगे जो हैं कुछ मंदिर वगैरह, कुछ मकान जो हैं वो रहने के लिए बने हुए हैं। चारों ओर यहाँ आपको जंगल नज़र आएगा। ये जो रास्ता जा रहा है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर को जाता है, तो आइए अपने इधर चलते हैं और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करते हैं। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना दोस्तों। दुर्ग को बने हुए करीबन 1600-1700 साल हो गए हैं और उसी समय का ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना हुआ है, तो आप लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के भी दर्शन करें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब जो अपने यहां से निकलेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर की साइड में, ये जौहरी बाजार उस समय हुआ करता था। ये जो रास्ता जा रहा है, अब अपने यहाँ से निकलेंगे, ये जौहरी बाजार का रास्ता है। जब यहाँ अमीरदेव चौहान और अन्य राजा जिस समय रहा करते थे उस समय। ये आगे रणथंभौर त्रिनेत्र, ये पाताली देवी का मंदिर यहाँ बना हुआ है नीचे की ओर, तो अपने थोड़ा अंडरग्राउंड चलते हैं। ये पाताली देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो यहाँ अंडरग्राउंड है, यानी पाताल लोक में है, इसीलिए कहते हैं इसको पाताली देवी का मंदिर। ये स्थान है माता का और ये माता का प्रतिमा लगी हुई, तो आप इनके दर्शन करें। और इस तरफ है सामने की ओर एक गुफा बनी हुई है जो आगे की ओर जाती है, आप देखेंगे यहाँ ऊपर से प्रकाश आ रहा है। और ये माता जी की प्रतिमा है। इधर तो पाताली देवी का है पाताल में मंदिर, चलो ऊपर चलो। यहाँ पाताली देवी मंदिर के बिल्कुल पीछे हनुमान जी और उनके बेटे मकर ध्वज दोनों की प्रतिमा लगा हुआ मंदिर बना हुआ है। और यह मंदिर भी काफ़ी फेमस है दोस्तों, आप देखेंगे प्रतिमा जो है वो यहाँ बालाजी की लगी, ये हनुमान जी और इनके बगल में ये मकर ध्वज। यानी पूरे भारत में डबल जलधारा, दोहरी जलधारा का एकमात्र शिवलिंग है और इसकी ऊंचाई करीबन 3.5 से 4 फीट है। ये रघुनाथ जी का टेंपल है जो बना हुआ था प्राचीन है, लेकिन अब इसको मेंटेन करके नया स्वरूप दिया गया है। इसमें 5 देव है, हनुमान जी है, गणेश जी है, भवानी है, भैरव और शिव जी है,
किले से पहले पांच देवता प्रकोटे के विराजमान है। किले से पूजाती पांच देवों की